झारखंड के देवघर में हुए केबल कार हादसे के बाद जम्मू में ये जो केबल कार का प्रोजेक्ट है जो कि बाहूफोर्ट महामाया और पिरखू के बीच चलता है, उसको लेकर कुछ लोगों के जहन में संशय जो है वो आया है कि आखिर कितनी जो सेफ्टी है वो इस केबल कार प्रोजेक्ट की है। तो इसी को लेकर आज हम यहाँ जो पिरखू इसका जो स्टेशन है वहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर सिक्योरिटी सेफ्टी नॉर्म्स को जो है वो किस तरह से जो है यहाँ पर चेक किया जाता है और कितनी सुरक्षित ये केबल कार प्रोजेक्ट यहाँ पर है। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कैबिन्स हैं केबल कार के वो आपको दिख रहे होंगे, और जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सुबह एक घंटा जो है वो सबसे पहले इसकी जो है वो चेक जो है वो किया जाता है। तमाम जो सेफ्टी चेक्स होते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं, यानी कि एक घंटे तक जो है वो पूरा इंस्पेक्ट इसे किया जाता है कि कोई टेक्निकल एरर जो है वो ना हो। और उसके बाद जो है जो सैलानी हैं जो कि प्रतिदिन करीब 200 सैलानी जो है 150 से 200 सैलानी जो है वो इस पे आता है। ये आप देखिए यहाँ पर कितनी हाईटेक जो मशीनरी है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो एक घंटा जो है पूरी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद ही जो है वो इस पूरे केबल कार प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। और हमेशा सेफ्टी जो है वो यहाँ पर सबसे अहम बिंदु रहता है। इस केबल कार प्रोजेक्ट की जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें हम जानने के लिए आज इस केबल कार में पहले यात्रा करेंगे, और मेरे साथ जो यहाँ के अधिकारी हैं राकेश भट्ट जी वो भी मौजूद रहेंगे। तो रास्ते में ही हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सेफ्टी मेजर्स को लेकर जो है वो कितना ध्यान जो है वो रखा जाता है और किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी सैलानी यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी प्रकार की जो परेशानी है वो नहीं होगी। हम फिलहाल आगे की जो यात्रा है वो शुरू करेंगे और आप भी ये देखेंगे कि आखिर कितनी सेफ्टी है इस पूरे आप ये कहें कि छोटे से सफ़र में जो कि इस केबल कार के ज़रिए किया जाता है। तो राकेश जी मेरे साथ है। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ जो झारखंड में हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था, सेफ्टी को लेकर किस तरह के जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर इस समय अपनाए जाते हैं? नहीं, हमारे इस सिस्टम में तो हम मेन तो हमारा यहाँ पे फोकस रहता है सेफ्टीज का। यहाँ पे हमारे SOPs लगे हुए हैं, स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स, उसके हिसाब से जो ही हम सवेरे सिस्टम रेडी करते हैं उसमें सारी चेकिंग्स होती है, जो भी मशीनरी हो या यहाँ पे हमारे जो भी ड्राइव सिस्टम में है या रिटर्न स्टेशन में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर चेकिंग हो जाती है। जब वो सारी चेकिंग्स करके जब सारा ओके हो जाए तभी हम इस सिस्टम को चलाते हैं और पैसेंजर्स को अलाउ करते हैं। ये तो हमारा डेली प्रोसीजर्स है कि बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर अलाउइंग द पैसेंजर्स टू बोर्ड द सिस्टम हम पहले इसकी चेकिंग करते हैं जी। ये तो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर है, और बाकी जितने भी इसमें मेंटेनेंस है वो तो हमारे एज पर शेड्यूल के हिसाब से चलती रहती है। जो हमारे डेली क्या मेंटेनेंस करनी है या वीकली या मंथली या सिक्स मंथ्स या वन ईयर या कौन कौन सी टेस्टिंग हमें इसमें करनी पड़ती है वो हम सारे एज पर हमारा जो इसमें मेंटेनेंस शेड्यूल है टाइम के हिसाब से हो जाता है। मतलब हर सुबह एक घंटे का पहले जो है वो पूरा टेस्ट यहाँ पर किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रोसीजर ही है बिफोर रनिंग ऑफ द सिस्टम। हमारा डेली यहाँ पे चेकिंग होती है कि सिस्टम हर एक चीज़ ओके है कि नहीं है। जो ही सारा सिस्टम ओके है जो हमारा ऑपरेशन स्टाफ है वो पहले ये चेक कर लेता है, चाहे उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या ड्राइव सिस्टम है या कोई भी कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर चेकिंग हो जाती है जी। आफ्टर दैट वो हम ऑपरेट करते हैं। ये जो तारे लगी हैं, ये जो रोप लगी है, इस पर भी आपका जो है वो रेगुलर चेक? हाँ, इनका तो अपना टेस्टिंग है, अपना टाइम के हिसाब से पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, चाहे जो जिसमें जो कंपोनेंट्स है उनकी NDT टेस्टिंग होती है, जो रोप की अपनी मैग्नेटोग्राफी टेस्टिंग होती है, वो तो ईयरली भी है, सिक्स मंथ्स भी है, तो वो तो रेगुलरली एज पर शेड्यूल के। मैं यहाँ पे आपको एक बार व्यू भी दिखाना चाहूँगा। हमने ये स्पेशली थोड़ा सा इसको इस बार ओपन रखवाया ताकि व्यू हम आपको अच्छे से दिखा सकें कि अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत ही ज़्यादा मनमोहक जो दृश्य है वो आपको इस केबल कार के ज़रिए देखने को मिलेंगे, और सभी से मैं यही कहूँगा कि अपने जहन में जो है वो किसी प्रकार का आप जो शक है वो ना रखें। जो झारखंड में हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था,
लेकिन हादसा जो है वो कहीं पर भी पेश आ सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, जो विभाग इसे हैंडल कर रहा है, जो टीम इसे हैंडल कर रही है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ जो है वो जम्मू में इस प्रोजेक्ट को जो है वो हैंडल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार हम इस समय इस केबल कार में है। मेरे साथ अधिकारी खुद मौजूद है, राकेश जी, जो हमें ब्रीफ भी कर रहे हैं, और स्टेशन जो है वो अलग अलग यहाँ पर बनाए गए हैं। और देखिएगा दूसरी जो केबल कार है वो यहाँ से आती हुई इस समय, और प्रॉपर तरीके से जो है वो हर एक चीज़ को यहाँ पर सेट किया गया है, ताकि आप जब भी यहाँ पर आएँ आपको पूरा जो मनोरंजन है वो यहाँ पर मिले। सर, जो झारखंड में हादसा हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट तो हम उसे कहेंगे ही, लेकिन इस प्रकार के आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पर फॉल्ट जो है वो आया होगा? नहीं, जो भी वहाँ पे हो गया वो तो अनफॉर्चुनेट, दैट शुड नॉट हैव बीन हैपेंड, तो बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये तो हम नहीं कह सकते किस वजह से हो गया। बट प्रॉपर जो सिस्टम को चलाने में, रोपवे सिस्टम को चलाने में प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, प्रॉपर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होता है, वो तो रेगुलरली फॉलो करने ही है, तो वो एज ए सेफ्टी, ये जो फर्स्टली प्रायोरिटी तो वही है, दे आर द सेफ्टी मेजर्स, वो तो करनी है। वहाँ पे क्या हुआ, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप ये एश्योर करते हैं हमारे सभी व्यूवर्स को, और विशेषकर जो हमें बाहर भी देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सी जो व्यूवर्स हैं वो बाहर के राज्यों से भी है, कि आप उन्हें एश्योर करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और एवरीथिंग इज फाइन? नहीं, बिल्कुल, हमारा सिस्टम तो अच्छी तरह से चल रहा है, पिछले 2 साल से हमारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो हमारा तो मेन प्रायोरिटी सेफ्टी है। जो ही हमारा सेफ सिस्टम है तभी हम अलाउ करते हैं पैसेंजर्स को, तो हम प्रॉपर इसमें मेंटेनेंस भी कर लेते हैं, तो इस वजह से कोई किसी में डर नहीं होना चाहे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट यहाँ पे तो बिल्कुल हमारा सिस्टम जो है सेफली है। दो सालों में सर कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए होंगे? 2 सालों में मोर देन 1 लाख पैसेंजर्स ने हमारे इस रोपे का, मोर देन वन लाख पैसेंजर्स ने यहाँ पे बोर्ड किया है। गंडोला 2 सेक्शन है यहाँ पे, उसे मोहमाया और मोहमाया से पीर को, मोर देन 1 लाख पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है इस रोपे में। जी जी जी। इसके अलावा सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो पर डे का यहाँ पर जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो कितना है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज यहाँ पे 200 से 250 पैसेंजर्स आते हैं, और जो वीकेंड्स है, हॉलीडेज पे मोर देन 500 पैसेंजर्स आ जाते हैं। जी, तो वो एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ भी है, ईटिंग फैसिलिटीज़ भी है, महामाया में या बहु में वो फैसिलिटीज़ भी है, लोग यहाँ पे आते हैं बच्चों के समेत, वो बहुत ही एंजॉय करते हैं डे पोर्डे के लिए। टाइमिंग क्या रखी है सर इसके चलाने की? इसमें नॉर्मल टाइमिंग हमने रखी है, आजकल जो समर्स की टाइमिंग है अभी 11 से 6 बजे तक हमने रखा है इसमें ऑपरेशनल टाइम, 11 से 6 बजे तक। जी। तो इसके अलावा मतलब कोई एज लिमिट या कोई इस तरह का? नहीं नहीं, इसमें कोई नहीं है, कोई भी किसी भी कोई भी चाहे यहाँ पे आ सकता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, यहाँ पे आज आके बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप देखिए ज़रा यहाँ से की जो खूबसूरती है वो आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि कितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर मनमोहक जो झलक है वो जम्मू की देखने को मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा आप देखिए सामने बाहू फोर्ट इस समय आपको नज़र आ रहा होगा, माँ बावे वाली का जो दरबार है वो अगर आप इस केबल कार के ज़रिए आते हैं तो यहाँ से आपको ये व्यू जो है उसका मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि मनमोहक और मन को लुभाने वाली जो एक खूबसूरती है वो यहाँ से शहर की देखने को मिलती है। और जब भी आप कभी जम्मू में आएँ इस केबल कार प्रोजेक्ट का लुत्फ ज़रूर उठाएं। देखिए पीछे से जो मुबारक मंडी है वो इस समय आपको यहाँ पर दिख रही होगी, अगर पीछे का व्यू मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, और बाकी भी जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर पर्याप्त मिलेंगी। अगर आप नीचे का व्यू देखेंगे तो जो तवी नदी है आप देखिए यहाँ से कितनी मनमोहक दिख रही है, और दूर तक का जो पूरा दृश्य है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो बहुत ही ज़्यादा आप ये समझिए कि अगर आप कभी जम्मू में आते हैं और इस केबल कार में आप अगर सवारी नहीं करते हैं तो आप वाकई में एक बहुत बड़ी जो चीज़ है उसे आप मिस करेंगे। तो बाकी सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर आज हमने ये एक लाइव टेस्ट करना चाहा, ताकि जो भी सैलानी यहाँ पर आएँ, जो हमारे मेहमान यहाँ पर आएँ, वो यहाँ पर आकर जो है वो पूरा लुत्फ उठाएँ, पूरा आनंद जो है वो उठाएँ, किसी भी प्रकार की शंका या डर वो अपने जहन में ना रखें। एक ज़िम्मेवार न्यूज़ चैनल होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी थी कि हम इस चीज़ को लेकर जो है वो अपने व्यूवर्स को ये एश्योर करें कि यहाँ पर जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो
पूरी तरह से उनका ख्याल रखा जाता है, और इसीलिए आज हमने ये लाइव टेस्ट किया। और हमारे साथ खुद राकेश भट्ट जी मौजूद हैं, जो कि इस पूरे सिस्टम को जो है वो देखते हैं, जिसकी पूरा जो कंट्रोल है वो यही करते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी डिटेल में बताया है कि हर एक चीज़ को जो है वो टाइमली एंड एज़ पर द नॉर्म्स, यानी कि सुबह एक घंटा जो है वो पहले चेक किया जाता है, उसके बाद ही चीज़ों को जो है वो ऑपरेशनल किया जाता है। तो आप जब भी कभी यहाँ पर आएँ तो इस केबल कार प्रोजेक्ट में ज़रूर सफ़र करें, और जम्मू की खूबसूरती को एक नए अंदाज से, एक नई ऊंचाई से ज़रूर देखें। और आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि हादसा एक हादसा होता है, वो कहीं पर भी पेश आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इस केबल कार को चला रहे हैं, जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने आपकी सुरक्षा के सभी इंतज़ाम कर रखे हैं। इस केबल कार प्रोजेक्ट में सेफ्टी को लेकर जो है वो इस कदर काम किया गया है कि किसी भी सूरत हाल में ये जो ट्रॉलीज हैं ये यहाँ पर फंस नहीं सकती हैं, और पावर को लेकर जो है वो भी यहाँ पर चीज़ों को फिक्स किया गया है ताकि पावर फेलियर ना हो, और अगर होता है तो फिर किस तरह से जो है वो वर्कआउट किया जाएगा। मेरे साथ राकेश जी अभी भी मौजूद है। राकेश जी मुझे बताइए, ये जो पूरा आपने सिस्टम लगा रखा है, ये पीछे एक इंजन है, ये मोटर है, ये किस तरह से इसकी वर्किंग है, और अगर कभी पावर फेलियर हो जाता है तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा? यहाँ पे हमारा तो एक डेडिकेटेड पावर लाइन है जो 24 घंटे रहती है, बट इनकेस अगर पावर फेलियर हो जाते हैं, यहाँ पे हमारा डबल बैकअप है। अच्छा। हमारे पास दो डीजी सेट्स है अवेलेबल है वो, और अगर उन डीजी सेट्स में भी प्रॉब्लम आ जाए, फिर हमारा यहाँ पे और एक ड्राइव है जो जिसको हम बोलते हैं रेस्क्यू इंजन ड्राइव है, हमारे पास यहाँ पे मैनुअल इंजन ड्राइव है। अगर इनकेस इलेक्ट्रिकल सिटी फेलियर हो जाए, जनरेटर में भी प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद हमारा तीसरा यहाँ पे बैकअप है जो मैकेनिकल ड्राइव है, इसको हम इंजन बोलते हैं। तो फिर इंजन से हम इसको ड्राइव देते हैं सारे सिस्टम को, ताकि जो भी ट्रॉली जहाँ पे फंसी हो उसको स्टेशन पे लाया जाए। तो यहाँ पे जो हमारा इसका बस यही है कि जो यहाँ पे हमारा ड्राइव सिस्टम है उसमें 3 लेयर्स का हमारा बैकअप सिस्टम है। एक तो होगी पावर सप्लाई, सेकंड होगी डबल डीजी से सप्लाई, उसके बाद वो भी अगर ना चले उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल इंजन ड्राइव है जो ये सारे सिस्टम को चलाता है। ज़्यादा मेरे पास कुछ टूरिस्ट भी हैं सर, मैं बात करना चाहूँगा, कैसा लगा सर आपको ये पूरा? बहुत अच्छा लगा जी, वेल एंड गुड। आप कहाँ से आए? रहने वाले आप उगते हैं यूपी, रहते जम्मू ही हैं, 15 साल हो गए। जी जी, तो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर? हाँ फर्स्ट टाइम आए हैं जी, बेटे का बर्थडे था तो अच्छा, घुमाने लाए जी। जी पहले तो आपको शुभकामनाएं इनके जन्मदिवस की। मैम ये जो पूरा आपने वहाँ पर इस पूरा राइड को लिया, वाकई में किस तरह का व्यू है यहाँ से नीचे का? सर बहुत अच्छा है व्यू, जो घूमने वाले अक्सर यहाँ आते ही रहते हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा कर दिया है, जो आते हैं कभी कभी। चलो जम्मू वाले तो ऐसा है कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, सारा व्यू दिखता है, दूर दूर तक का सारा कुछ नजारा बहुत सुंदर है। सर किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई आपको? नहीं सर, ऐसी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत अच्छा था सर जी। सेफ्टी को लेकर अश्योर है? नहीं सर, बहुत अच्छी है, सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हमें तो 15 साल हो गया जम्मू में, ऐसे सेफ्टी वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लगा रहता है कहीं ना कहीं। दरअसल झारखंड में एक हादसा हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों के जहन में ये रहा कि शायद उतना सेफ नहीं है, तो आप अभी यहाँ पर राइड लेकर आए हैं तो आपको लगा कि पूरी तरह से सुरक्षित है? देखो सर, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, राइट से ऐसा कुछ नहीं है, सेफ है, जम्मू नीट एंड क्लीन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात जी। तो बाकी जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से आने वाले, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं आए यहाँ पे एंजॉय करें, ऐसी कोई डर या दहशत या कोई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, आना चाहिए, हम सबसे बोलेंगे सभी को आना चाहिए एक बार। इस केबल कार प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, इस पर 24 घंटे नज़र रखने के लिए यहाँ पर हाईटेक जो हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगाए गए हैं, जो कि 360 डिग्री का जो व्यू है वो देते हैं, और हर वक्त जो है वो इसकी हर एक मूवमेंट पर जो है वो नज़र रहती है। मैं सामने एक आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये कैमरास इस समय काम कर रहे हैं, और बिल्कुल 360 डिग्री का जो व्यू है वो इन कैमरास के ज़रिए जो है वो यहाँ पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो देख सकते हैं, और हर वक्त जो है ये मॉनिटरिंग पर रहता है। ये देखिए आप इस समय, ये देखिए आप जितने भी ट्रॉलीज हैं उनका पूरा जूम करके जो है वो इस कंट्रोल रूम से व्यू जो है वो देखा जा सकता है। और इसके अलावा 360 डिग्री का जो व्यू है ये देखिए आप, वो भी इन कैमरास के ज़रिए जो है वो यहाँ पर हर वक्त जो है वो मॉनिटरिंग में रहता है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर परेशानी आती है तो तुरंत जो है उस पर वर्कआउट किया जाए। या आप देखिए इसमें 360 डिग्री का ये व्यू जो पूरे टावर्स यहाँ पर लगे हैं उनका लिया जा रहा है, ताकि कोई भी टेक्निकल समस्या उत्पन्न होने से पहले ही
उस पर जो है वो नज़र रखी जा सके। ये आप इस समय देख रहे हैं 360 डिग्री का पूरा व्यू जो है ये इस समय आप यहाँ पर देखिए। तो सेफ्टी को लेकर जो है इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार से अगर आप कहें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर चीज़ जो है वो हाईटेक तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। शुक्रिया। देखिए हर कोई यही कहता है कि जो भी सैलानी है वो यहाँ पर ज़रूर आए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक आपको दृश्य देखने को मिलने वाले हैं जो कि शायद आप मिस कर जाएंगे अगर आप इस केबल कार प्रोजेक्ट पर जो है वो राइड नहीं करते हैं। सैलानी जो है वो काफ़ी खुश हैं और हर कोई जो है वो यहाँ पर आना चाहता है। अपने जहन में किसी प्रकार का शक या डर जो है वो ना रखें। जब भी आप जम्मू में आएँ यहाँ इस केबल कार प्रोजेक्ट का आनंद ज़रूर लें क्योंकि ये सब आपके लिए बना है और सुरक्षा को लेकर जो है वो हर एक पैरामीटर को जो है वो चेक किया जाता है और सभी तरह से इंश्योर होने के बाद ही जो है वो आपको इस केबल कार प्रोजेक्ट की यात्रा जो है वो करवाई जाती है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।